हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तू झूठी में मक्का, जिसे संक्षिप्त रूप में TGMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। COVID-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह
220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में
हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.66 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्माकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल
दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की
हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनु अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी।
बात करते हैं इसकी कास्टिंग की तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणबीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था।
फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणबीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणबीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.66 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया,
मनु डबासओ के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिकी का सबसे अच्छा दोस्त, मिकी के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर,
जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है।
लव फिल्म्स उल्टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी।
बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्का, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है।
प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मकार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनु अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा,
तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समस्याग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तो झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली।
समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TGMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में
177.44 करोड़ और विदेशों में 42.66 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनु अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में
दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की।
बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसके कास्टिंग की तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था।
डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख
18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणबीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणबीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के
प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं।
बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मल्होत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की माँ रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है।
इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षा ग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर
3 मई 2023 को हुआ। तू झूठे में मक्का, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है।
निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्का, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है।
यह अजीब और समस्या ग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्का, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर
13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.7
67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बक्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में
फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनु अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणवीर और श्रद्धा के साथ
8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.66 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षा ग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार, जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त, मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्म फिल्मांकन में देरी अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में चुना गया था।
यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की तो रणवीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्माकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.67 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी सकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। तू झूठी में मक्कार जिसे संक्षिप्त रूप में TJMM कहा जाता है, एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी और रंजन द्वारा लिखित है। लव फिल्म्स और टी सीरीज द्वारा फिल्म निर्मित है। इसमें रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुभव सिंह बैसी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। निर्माता बोनी कपूर एक अभिनेता के रूप में पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोनिका चौधरी, इनायत वर्मा, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, अंबर राणा, राजेश जोस और आयशा रजा मिश्रा सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। बात करते हैं इस फिल्म के कास्टिंग की तो रणवीर कपूर रोहन मिक्की अरोड़ा के रूप में, निशा तिन्नी मनोत्रा के रूप में श्रद्धा कपूर, मिक्की की मां रेनू अरोड़ा के रूप में डिंपल कपाड़िया, मनु डबास के रूप में अनुभव सिंह बसी, मिक्की का सबसे अच्छा दोस्त मिक्की के पिता रमेश अरोड़ा के रूप में बोनी कपूर। बात करते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। कोविड 19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 कर दी गई। एक बार फिल्माकन में देरी
अंतिम रिलीज की तारीख होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जो एक साथ उनका पहला प्रोजेक्ट था। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणबीर के माता पिता के रूप में चुना गया था। यह स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बख्शी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत भी थी। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बात करते हैं इसकी फिल्मिंग की, तो रणबीर और श्रद्धा के साथ 8 जनवरी 2021 को गाजियाबाद में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा शेड्यूल नवंबर 2021 में दिल्ली में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ। बात करते हैं इस पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट की, तो 200 करोड़ के बजट पर 27 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 177.44 करोड़ और विदेशों में 42.66 करोड़ की कमाई की है, जबकि विश्वव्यापी संकल संग्रह 220.1 करोड़ है। बात करते हैं इसके ऑनलाइन रिव्यू की, तो तू झूठी में मक्कार को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटल टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 10 में से 5.1 के औसत स्कोर के साथ 31% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा, तो झूठी में मक्कार आपकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी है, जिसे आधुनिक परिवेश में पैक किया गया है। यह अजीब और समीक्षाग्रस्त है, लेकिन इसे मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आपको बांधे रख सकती है। आपको इसमें बैठने के लिए संग्रह करना पड़ सकता है प्री इंटरवल, लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। निश्चित रूप से मनोरंजक प्रदर्शन और मोनोलॉग ने के लिए एक बार की घड़ी। बात करते हैं इसके रिलीज थिएट्रिकल की, तो यह फिल्म 8 मार्च 2023 को होली त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। बात करते हैं इसके होम मीडिया की, तो फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 मई 2023 को हुआ। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।